हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास तक हमने हमारे लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमने डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, जे.जे. थॉम्सन ने। एनोड रे एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा चेंज किया था हमने वहाँ पर, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जब हमने किया था तो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने जो कैथोड था उसको परफोरेटेड कैथोड कर दिया था और फिर हमने किया एनोड रे एक्सपेरिमेंट। और एनोड रे एक्सपेरिमेंट से जो डिस्कवरी होती है वो होती किसकी, प्रोटोन की, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, सॉरी, एनोड रे एक्सपेरिमेंट ने किया किसने था, रदरफोर्ड ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक मॉडल, और एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ लिया था थॉम्सन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, बेसिकली हमें नहीं करना, वो कर चुके हैं पहले। तो क्या किया इन्होंने, देखो, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्टमेंट करवाया किसी एक गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। पहले देखते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल होता है, बेसिकली ये जो अल्फा पार्टिकल होता है, ये हीलियम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हम इसको क्या कहते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस। अब देखिए हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब क्या है, आप समझे धीरे धीरे करके। देखो ये हीलियम है, ये हीलियम का रिप्रेजेंटेशन होता है। हीलियम के रिप्रेजेंटेशन में देखो, ये जो हीलियम है, अगर हम यहाँ पर हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, मतलब समझ रहे हैं, हीलियम के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स। कैसे पता चलता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो तो हीलियम क्या बनता है, हीलियम टू पॉजिटिव। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, ठीक है। डाई पॉजिटिव हीलियम आयन को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। या फिर एक और नाम से हम इसको जानते हैं, एक और नाम से इसको हम जानते हैं, जो है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। भाई न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का मतलब क्या हुआ, आप समझें, दो इलेक्ट्रॉन थे, दो प्रोटॉन थे, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो बताओ सिर्फ क्या रह जाएंगे, दो प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो रहे नहीं, तो सिर्फ बचा क्या, न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हम क्या कह देते हैं अल्फा को, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी कह देते हैं, ठीक। अब आती है बात किसके, अल्फा पार्टिकल की। और अल्फा पार्टिकल मतलब हमने बात कर ली है, अब बात आती है इसके मास की। तो मास देखो, देखो क्या होता है, ये मास नंबर लिखा होता है, एक एटम का मास यहाँ कितना लिखा हुआ है, 4। तो 4 एमयू क्या होता है, इसका मास होता है, ठीक है। बात आती है चार्ज की, अच्छा लिख लेते हैं इसको, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये होता है क्या, जो यहाँ दिख रहा है आपको मास नंबर, और यूनिट क्या होती है, एक के लिए, एक एटम के लिए यूनिट क्या होती है, एएमयू, ठीक है। फिर अगर हम बात करें चार्ज की, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो देखो टू पॉजिटिव चार्ज है, टू पॉजिटिव यानी कि टू यूनिट का चार्ज है ना, टू यूनिट का, तो टू पॉजिटिव चार्ज और टू। अब भाई आपसे अगर कोई पूछे चार्ज की वैल्यू बताओ, तो आप ये मत बोलना कि प्लस टू, भाई चार्ज की वैल्यू क्या होती है, टू यूनिट का चार्ज है और चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हो गया चार्ज किसका, अल्फा पार्टिकल का, ठीक। अब हम आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो देखो क्या किया था रदरफोर्ड ने क्या किया था कि गोल्ड को लिया था। गोल्ड को क्यों लिया था, बेसिकली जो गोल्ड होता है, गोल्ड उसकी मेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है, कि आप गोल्ड की बहुत थिन लेयर्स बना सकते हो, ठीक। तो इसलिए उन्होंने किसको लिया, गोल्ड को लिया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो देखें क्या था एक्सपेरिमेंट, क्या था उसका सेटअप। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल का क्या लिया, सोर्स लिया। ये मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, जो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। अब भाई आप सोचोगे ये अल्फा पार्टिकल कोई भी चीज एमिट कैसे कर सकती है, करती है, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं, ये अल्फा पार्टिकल को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल याद भी रखें, जैसे आपने सुना होगा यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, और वो क्या करते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को एमिट करते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ
सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब भाई ये जो सोर्स है ये तो सब तरफ अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा होगा, लेकिन हमें सब तरफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ किस चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ चाहिए। ठीक है, तो हमने एक डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शनल करने के लिए हमने क्या लगा दी, एक स्लिट लगा दी यहाँ पर। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमें सिर्फ इस डायरेक्शन के पार्टिकल्स मिलेंगे, बाकी तो यहीं रह जाएंगे। ठीक, अब आती है बात किसके, गोल्ड की। तो भाई उन्होंने जो गोल्ड फॉइल ली थी वो इतनी थिन थी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम था, लगभग एक एटम था किसका, गोल्ड का। ठीक है, तो भाई इस एक्सपेरिमेंट में चाहे तो हम एटम बना लें, चाहे हम गोल्ड की एक छोटी सी फॉइल बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं, हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, हम यहाँ पर एटम की तरह ट्रीट करते हैं इसको। ठीक है, तो हम एटम ही बना रहे हैं, ये मान लो क्या था, एक एटम गोल्ड का। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके इस तरफ क्या कर दिया, उन्होंने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल जो कि उन्होंने लिया था, ध्यान रखना, पता होना चाहिए अपने को, उन्होंने लिया था ZnS, जिंक सल्फाइड। ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल आपको कल भी बताया गया था, लास्ट लेक्चर में बताया गया था क्या होता है। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल की उन्होंने क्या कर दी, कोटिंग कर दी। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है कि जब भी इससे कोई पार्टिकल आके टकराएगा तो क्या क्रिएट करेगा, वो एक फ्लैश या फ्लोरोसेंस क्रिएट करेगा। ठीक, अब देखें, अब हो चुका है स्टार्ट हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। आप देखें भाई, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं भाई, जो चीज़ें हो रही है उनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उससे क्या निकलती है हमारे पास, ऑब्जर्वेशंस, कि भाई क्या क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये हमें कहाँ से पता चलता है, जो हम उसमें ऑब्जर्व करें चीज़ों की, क्या हो रहा है। तो हम एक तो चीज़ हो गई क्या, ऑब्जर्वेशंस, कि एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस क्या है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस हमें मिल गई, अब हमारा काम है कंक्लूड करना कि अच्छा ऐसा है तो क्यों होगा, है ना। तो ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, कंक्लूजन। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा, ठीक है, और उसका क्या देंगे, फिर हम कंक्लूजन देंगे। ठीक है, अब आप देखें, जो काफ़ी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो अब बात आ रही है किसकी, ऑब्जर्वेशन की, कि क्या ऑब्जर्व किया किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने ऑब्जर्व की वो क्या थी, कि इन सारे अल्फा पार्टिकल्स में, तो मतलब काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल्स तो कैसे थे, जो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। ठीक है, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक है, अब भाई कैसे पता चला कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल गए, है ना, क्या देख रहा था क्या उसको, है ना, आंखों से दिख गया क्या उसको, नहीं। देखो क्या होता है कि ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है ना, आप इसमें कोई एक पर्टिकुलर, मान लो कि ये आपने इतना रीजन उठा लिया आपने, ये वाला, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला आपने रीजन उठा लिया। अब क्या हो रहा है कि जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो रदरफोर्ड ने देखा कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इसमें क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस फ्लोरोसेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो क्यों हो रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली वहाँ पर पार्टिकल्स आके ठकाठक ठकाठक टकरा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या है भाई, आप समझ रहे हो कि बहुत सारे पार्टिकल्स आते जा रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधे निकल गए। ठीक है, ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक, दूसरा इसका ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो आए और क्या हो गए, अपने पाथ से थोड़े से क्या हो गए, डेविएट हो गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से क्या हो गए, डेविएट हो गए। ठीक है, डेविएट हो गए, ये भी कैसे पता चला भाई, आप समझ रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लोरोसेंस क्रिएट हो रहा था। ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरोसेंस क्रिएट हो रहा था, है ना, लेकिन यहाँ उतनी इंटेंसिटी से फ्लोरोसेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक, मतलब बात समझ में आ गई कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स आके टकरा रहे हैं, लेकिन यहाँ उतना नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल्स तो आ रहे हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट पॉइंट क्या था कि एक पार्टिकल, मतलब काफ़ी सारे पार्टिकल्स में से, अच्छा इसको, जो लास्ट पॉइंट है इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि भाई, अब उन्होंने देखा कि एक हमारे पास रीजन ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर कोई फ्लोरोसेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं, ये एक ऐसा रीजन है जो मैंने आपको दिख रहा होगा, आपको अब दिख रहा होगा, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर कोई फ्लोरोसेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर कोई फ्लोरोसेंस क्रिएट नहीं हो रहा है तो बताओ इसका मतलब क्या, कि वहां पर कोई पार्टिकल आ ही नहीं पा रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन बताओ, यहाँ से तो बहुत सारे पार्टिकल्स चल रहे हैं, देखो तभी तो यहाँ पर फ्लैश क्रिएट हो रहा है, यहाँ फ्लैश क्रिएट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। आप समझें कि यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, मतलब पार्टिकल यहाँ से आया तो होगा,
ठीक है, यहां से पार्टिकल आया तो होगा, यहां पहुंचा भी होगा, लेकिन वो वापस क्या हो गया, वापस इसी डायरेक्शन में आ चुका है। ठीक, पार्टिकल यहां से आया है लेकिन वो यहां तक नहीं पहुंच पाया, वो वापस यहीं से क्या हो गया, वापस रिटर्न हो गया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यहां पर कोई फ्लैश क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने पूरा अच्छे से एक्सपेरिमेंट को देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास हो गए इसके ऑब्जर्वेशंस, तो हम पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो देखें, ऑब्जर्वेशन, ठीक, तो जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है, बताओ सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गए, बिल्कुल सीधे निकल गए। तो क्या है पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। ठीक है, जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, क्या है वो, सम अल्फा पार्टिकल्स, सम अल्फा पार्टिकल्स, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड विद अ स्मॉल एंगल, विद अ स्मॉल एंगल। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से एंगल से क्या हो चुके हैं, वो डिफ्लेक्ट या डेविएट हो चुके हैं। ठीक है, विद अ स्मॉल एंगल, एंगल आप बोल सकते हैं लेस देन 90 डिग्री। ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट, दूसरी ऑब्जर्वेशन। और जो सबसे लास्ट ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे लास्ट ऑब्जर्वेशन है, लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, थर्ड जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ब्रैकेट में लिख लेंगे, वन आउट ऑफ 20,000, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वन आउट ऑफ 20,000 डिफ्लेक्टेड विद अ वेरी लार्ज, डिफ्लेक्टेड विद अ वेरी लार्ज एंगल, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप समझे, जब ये गया और वापस लौट के आ गया तो मतलब बताओ एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट की, हमारे पास ये तीनों क्या हो चुकी हैं, हमारे पास हो चुकी है ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन के बाद हमें किस पे जाना है, अब हमें जाना है किस पे, कंक्लूजन पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब कंक्लूजन, भाई इस एक्सपेरिमेंट का इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू क्या कंक्लूजन रहा, क्या सोचा रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड तो पहले ही सोच चुका था, हम अब सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखें जो हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है भाई क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, भाई आप समझें कि आप जा रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे अपने रास्ते जा रहे हैं। ठीक है, और मान लो कि आपके रास्ते में कोई हर्डल ना आए तो बताओ आपको मुड़ने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। मतलब समझें कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल सीधे निकल चुके हैं, मतलब कि जो एटम के अंदर जो ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है या जो स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी है। बोलो, तभी तो पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गया होगा, भाई कोई बीच में आया ही नहीं तो कहाँ जाएगा, है ना, बिल्कुल सीधे निकल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम क्या है एटम का, एम्प्टी है। ठीक है, जो सबसे पहला कंक्लूजन है वो क्या है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी।
ठीक है, मतलब एटम के अंदर का जो ज्यादातर स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड विद अ स्मॉल एंगल। ठीक, अब आप समझे भाई अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है ना भाई। आप समझे कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, अब वो चलते चलते एकदम से मुड़ गया। क्यों मुड़ गया, क्योंकि आप समझे भाई आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आप समझे कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता हुआ आ रहा है, या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या एक आ रहा है आपके पास। ठीक, अब बताओ अगर इसको, इसके रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिख गया तो बताओ क्या ये चलते 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 बिल्कुल एकदम से खटाक से मुड़ गया क्या, है ना, एक थोड़ा सा टर्न मतलब दूर भाग जाएगा इससे, बोलो सही है। अच्छा एक चीज तो ये हो गई, लेकिन बताओ क्या पता ये भी तो हो सकता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को यहां कहीं कोई दिख गया हो। हाँ, कौन दिख गया हो, एक नेगेटिव चार्ज दिख गया हो। तो बताओ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये पॉजिटिव भागता 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 आ रहा है, और जैसे इसको नेगेटिव दिखा तो फटाफट से उसकी तरफ मुड़ गया, बोला ऐसा हो सकता है ना, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखें क्या है हमारा दूसरा पॉइंट, क्यों ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, अब बताओ। अच्छा हमने बोला कि पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, बताओ ऐसा हो सकता है कि ये दोनों हो सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं कि दोनों हो सकते हैं। आप बताओ एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, ये तो रदरफोर्ड को पहले से ही पता था, है ना। तो बताओ अगर एटम को न्यूट्रल बताना है तो अगर अंदर हमें पॉजिटिव चार्ज मिल गया मतलब अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो क्या है, पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन दी एटम। ठीक है, एटम के अंदर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तभी एटम क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक, जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है, ठीक है, देखें बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स मतलब लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जैसा गया वापस लौट के आ गया, बताओ ऐसा कब होगा, बताओ। अब वैसे ही फिर से समझें कि भाई अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो बताओ एक पॉजिटिव चार्ज चलता चलता आ रहा है, और उसको बताओ एक बहुत भयंकर रिपल्शन लगा होगा तभी तो बिल्कुल आ रहा है, रिपेल नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ तभी वापस लौट के चला गया, उसको बताओ आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा रिपल्शन लगा होगा। अब बताओ ये बहुत ज़्यादा रिपल्शन कैसे लग सकता है, भाई जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, और अभी तक दूसरे पॉइंट में तो दूसरे पॉइंट के हिसाब से तो बस वो चार्ज कैसा है, फैला हुआ है। ठीक है, अब आप समझें कि भाई एक क्या आ रहा है, एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम 2 पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये हीलियम 2 पॉजिटिव यहां से भागता हुआ आ रहा है और मान लो कि इस पॉजिटिव चार्ज से ही टकरा गया। अब आप बताओ ये एक पॉजिटिव ये 2 पॉजिटिव, बताओ एक मोटा आदमी एक पतले आदमी से टकराएगा तो वो वापस जाएगा या पतला आदमी लड़कते हुए चला जाएगा, बोलो पतला आदमी लड़कते हुए चला जाएगा ना। मतलब कि हीलियम के ऊपर तो 2 पॉजिटिव यानी कि थोड़ा सा हैवी है, और ये हैवी पार्टिकल अगर आ रहा है और फिर भी वापस लौट के चला जा रहा है यानी कि ये इससे भी ज़्यादा हैवी पार्टिकल से या मास से टकराया होगा तभी ये वापस रिटर्न हो चुका है। आप समझें कि आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को दीवार में मारा तो ऐसा तो होता नहीं कि दीवार पीछे खिसक गई, बॉल वापस लौट के आ जाती है। ठीक है, तो आप समझें कि भाई ये जो पार्टिकल है ये किसी एक हैवी मास से टकराया होगा तभी ये वापस लौट के आ चुका है। ठीक है, या बहुत हैवी रिपल्शन हुआ होगा तभी ये जाके वापस आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज है ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह कलेक्टिवली बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है, ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कलेक्टिवली किसी एक जगह पर बैठा हुआ है। ठीक, तो देखें जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है वो क्या है, ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ऑल ऑफ द, इस तरीके से लिखेंगे हम पॉजिटिव चार्ज को, ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट या कलेक्टिवली प्रेजेंट
कलेक्टिवली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स नहीं है, वो सब कलेक्टिवली किसी एक ही जगह पर बैठा हुआ है। ठीक है, उसको हमने बोल दिया कि सेंटर, एटम के सेंटर पर वो क्या हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें। तो देखें, अभी आपने कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम बेसिकली, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने क्या दिया, अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नहीं मतलब रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो क्या है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, क्या है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। दूसरा पॉइंट, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल डेंस वॉल्यूम एट द सेंटर ऑफ एटम। मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है या फिर एटम का ऑलमोस्ट मास कहां प्रेजेंट होता है, एक स्मॉल डेंस वॉल्यूम में एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, दिस स्मॉल डेंस्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड आप सभी इसको जानते हैं, बताओ क्या कहते हैं हम इसको, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक, फिर जो अगला पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग विद वेरी हाई स्पीड अराउंड दी न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, एटम इज स्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positive charge न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो एटम स्टेबल होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक। जो हमारे पास अगला पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट क्या है देखें, पॉइंट नंबर सिक्स, लास्ट पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम के कंपेरिजन में, वॉल्यूम न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एटॉमिक मॉडल किसका, रदरफोर्ड का। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्या, अब भाई इसका जो मॉडल है ये फेल क्यों हो गया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, ड्रॉबैक्स ऑफ वही, चलो एक काम करो, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखो क्या, ड्रॉबैक्स, ठीक। तो देखें, जो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है भाई, आप समझें भाई, मैक्सवेल का नाम तो सबने सुना होगा, है ना, वो जो क्रिकेट खेलता वाला मैक्सवेल नहीं, ठीक है, साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। तो मैक्सवेल का नाम तो सबने सुना होगा भाई, मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या कर रहा होता है, वो एमिट कर रहा होता है, एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। और भाई जब एनर्जी रिलीज करेगा तो कभी ना कभी तो उसकी एनर्जी खत्म होगी ना, और कभी ना कभी तो उसका मोशन रुक जाएगा ना, बोलो बात समझ में आ रही है भाई। आप भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी आपके अंदर, आप भाग रहे हो, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली भाग रहे हो तो आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जब आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी आप गिर जाओगे जाके, सही है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल मूवमेंट या मोशन कर रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमने क्या बोला इस थ्योरी में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो भाई जब अगर ये यहाँ रिवॉल्व कर रहा है तो ये कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को क्या करता जाएगा, एमिट करता जाएगा, और जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, बताओ फिर ये क्या, आप जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी क्या ये उतने ही बड़े पाथ को फॉलो करेगा क्या, नहीं ना, इसका पाथ क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा है, और जैसे इसकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी ये न्यूक्लियस में जाके धड़ाम से गिर जाएगा, ठीक है। और बताओ अगर ऐसा हो गया तो बताओ एटम का तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, एटम स्टेबल ही नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। तो जो हमारा सबसे पहला ड्रॉबैक है किसका, रदरफोर्ड का, वो क्या है, लिखना स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बनाना हो तो बना लेना। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, इट एमिट्स एनर्जी, ठीक है। सो इसी पॉइंट नंबर वन में लिख रहे हैं, सो इन रदरफोर्ड मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन is revolving around the nucleus, when electron is revolving around the nucleus, it emit energy in continuous manner. इन कंटिन्यूस मैनर
एंड इट शुड फॉल इन न्यूक्लियस followed by spiral path, ठीक है. और रदरफोर्ड इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक. हाँ अच्छा, ये जो है कंटिन्यूस मैनर का मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली वो अपने एनर्जी को क्या कर रहा होता है भाई, अगर कंटिन्यूसली भाग रहा है तो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है. तो ये हो गया इसका पहला ड्रॉबैक, ठीक. और एक और इसका ड्रॉबैक है, एक और ड्रॉबैक क्या है इसका, देखो ये जो दूसरा हम पॉइंट लिखने वाले हैं, जो दूसरा हम ड्रॉबैक लिखने वाले हैं, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा 9th में, है ना. लेकिन भाई इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा तब, है ना. तो अभी हम इस ड्रॉबैक को लिख रहे हैं, लेकिन हाँ इसी चैप्टर में हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जाके. तो अभी मैं ड्रॉबैक लिख रहा हूँ, क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, ठीक है. क्या है इसका मीनिंग, कि क्या कह रहा है ये, कि ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. तो इसको हम अपने इसी चैप्टर में थोड़े से आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है. तब तक वेट करो. तो ये हो गया इसके क्या ड्रॉबैक्स, ठीक है. फटाफट से इसको कॉपी करो. चलो भाई लिख लिया होगा. अब देख भाई, सब लोग हम पहले भी ये टॉपिक पढ़ के आए हैं, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड. उससे हम क्या करते हैं, उससे हम किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसकी हम रेडियस या उसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, ठीक है. तो देखें, अब ये सब हटा दिया हमने, ठीक है. अब हम थोड़ी सी अलग चीजें पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी फिजिक्स आएगी यहां पर, ठीक है. तो देखें, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, थोड़े से आगे काम आने वाला है, जो अगला टॉपिक है उसमें काम आने वाला है, इसलिए ये फॉर्मुलाज में लिखवा रहा हूं, फॉर्मुलाज लिखवा रहा हूं बस. ये जब पढ़ोगे तो आप फिजिक्स में जो भी चीज चल रही है अभी, तो दो मान लो आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r, ठीक. q1 और q2 हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस कितनी है r डिस्टेंस है. तो इनके बीच में फोर्स जो होगा उसका फॉर्मूला होता है k q1 q2 upon r square, ठीक है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 upon r square, जहां पर जो k होता है ये कॉन्स्टेंट होता है, अभी बस आप इतना जान लो. और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 9×10⁻¹. अब देखो इसकी एक यूनिट भी होती है, लेकिन वो यूनिट जनरली हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं. तो देखो आप यूनिट को रटने की कोशिश मत करो, ये रहा के, ठीक है. अब के की यूनिट निकालनी है तो देखो इस आर स्क्वायर को भी इधर पहुंचाओ और इस क्यू और क्यू को नीचे पहुंचाओ. अब बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन. बताओ रेडियस या डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर. हम ऐसे यूनिट की बात कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर. और ये चार्ज कूलम ये जाएगा इधर नीचे, तो अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है. ये किसकी वैल्यू हो चुकी है, के की. तो आप इस फॉर्मूला को याद रखें, काम का फॉर्मूला है, आगे भी जाके काम में आएगा. और जो के होता है, अच्छा जो के होता है, के की जो वैल्यू होती है, एक और वैल्यू होती है 1/4π, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, इससे के की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है. चले और कुछ चीजें हैं, आप उसको नोट कर लें. अब देखें, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑब्लिक सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑब्लिक सिस्टम, भाई किसी भी सिस्टम की या पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होती है.
जो किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी दो एनर्जी में डिवाइड रहती है, ठीक है। कौन कौन सी दो एनर्जी में? एक तो हमारे पास है कौन सी एनर्जी, आप सब जानते हैं इसको, इसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, के ई, ठीक है भाई। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी सिस्टम या पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, जहां एम मास ऑफ पार्टिकल है और वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है, ठीक है। और जो दूसरे टाइप की एनर्जी है हमारे पास, वो दूसरे टाइप की एनर्जी क्या है? ये दूसरे टाइप की जो हमारे पास एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम बताते हैं पीई से। तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी, किस वजह से होती है? ये होती है ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, जहां K जो है यही वाला K है, Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा आप सोच रहे हैं दोनों फॉर्मूला तो सेम है, नहीं सेम नहीं है, यहाँ अपॉन R स्क्वायर है और यहाँ अपॉन R है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि फोर्स का फॉर्मूला जो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R होता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो फॉर्मूला है इसमें आप जो चार्ज की वैल्यूज होती हैं, भाई चार्ज पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव के साथ रखें और नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ रखें, मतलब यूज विद साइन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे थे, टॉपिक है हमारा क्या? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में क्या है भाई? बात रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की चल रही है, एक अल्फा पार्टिकल का, उसने क्या करवाया था? एक गोल्ड के न्यूक्लियस पे बॉम्बार्डमेंट करवाया था, बॉम्बार्डमेंट मतलब कोलिजन करवाया था बहुत सारे पार्टिकल्स का, ठीक है। तो सेम चीज़ हम कर रहे हैं वापस, कि आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है, लेकिन अब मैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला, इससे जो फॉर्मूला, इससे जो टर्म निकल के आएगी वो बाकी सारी जगह पर भी लगेगी, है ना। तो हम अल्फा पार्टिकल की बात ना करते हुए हम एक क्यू वन चार्ज मान लेते हैं, और आप इस क्यू वन को ट्रीट करना किसकी तरह? उस अल्फा पार्टिकल की तरह, भाई ये क्यू वन चार्ज भाग के आएगा उधर से, ठीक है। और जो न्यूक्लियस था भाई, न्यूक्लियस था हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, तो मतलब कि दूसरी चार्ज की बात चल रही है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं Q2, जो हमने वहां पर क्या माना था, हमारे एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस माना था, मतलब रिलेट करने की कोशिश करना। और ये पार्टिकल यहां से भाग के आ रहा था इसकी तरफ, ठीक है। आप समझे भाई, आप पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स की बात चली तो कितने छोटे छोटे से होते हैं, अगर आप उनके लिए इतनी सी डिस्टेंस की भी बात कर लो ना, तो इन पार्टिकल्स के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, हम पहले से मान के क्या चल रहे हैं कि भाई इनके बीच में अभी जो डिस्टेंस है ये क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, ठीक। टॉपिक पढ़ लें, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम क्या करते हैं, इस टॉपिक की हेल्प से हम एक न्यूक्लियस की रेडियस पता करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा भाई, ये हमारे पास यहाँ पर क्या था, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, और इस सोर्स के यहाँ से जब पार्टिकल एमिट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो भाई जब भी कोई पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो उस पार्टिकल के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, दो टाइप की एनर्जी कौन कौन से? एक तो काइनेटिक, एक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पार्टिकल निकला तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ये देखो, इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस का पॉइंट, यानी कि आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला पॉइंट है ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर, बोलो सही है। और इस पॉइंट पर
जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी भाई, बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। बताओ जब इस फॉर्मूला में आर को इनफाइनाइट रखोगे तो बताओ पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है, जीरो। अब बताओ जो पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक प्लस क्या होती है, पोटेंशियल होती है। अब बताओ पोटेंशियल तो जीरो है, यानी कि जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी कौन सी फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है, वो सारी एनर्जी कौन सी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो बताओ क्या सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं यहाँ इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख दूँ, सही है। अच्छा दूसरी चीज बताओ, अब बताओ आप यहाँ पर कोई से भी दो पॉइंट्स ले लो, रैंडम कोई से भी हम दो पॉइंट्स ले आए, इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी वन, और इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी टू। बताओ ये क्वेश्चन आपके लिए, बताओ कौन से पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी वन या काइनेटिक एनर्जी टू, बताओ। हाँ भाई बहुत सही, बिल्कुल सही, काइनेटिक एनर्जी वन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? कि भाई जैसे जैसे पार्टिकल इस तरफ आएगा, न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव, इसके पास भी पॉजिटिव, भाई जब हम सेम चार्ज की बात कर रहे हैं अभी, तो उस पर धीरे धीरे क्या लगता जा रहा होगा, क्योंकि पास आता जा रहा है, पॉजिटिव के पास आता जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या लग रहा होगा, रिपल्शन लग रहा होगा, और रिपल्शन लगेगा तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब भाई अगर स्पीड कम होती जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब बताओ भाई चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, कोई एक ऐसा पॉइंट तो आएगा, कोई एक ऐसा पॉइंट तो आएगा जहाँ पर इस पर सबसे ज़्यादा रिपल्शन लग रहा होगा, जिस पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन लग रहा होगा, और उस पॉइंट पर बताओ वो पार्टिकल जाके रुक जाएगा ना, रुक जाएगा, तो बताओ वहाँ पर उस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी होगी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर ये पार्टिकल जितना आ सकता था उतना आ गया। ठीक है, तो इस आर को हम क्या कहते हैं, इस आर को हम कहते हैं आर मिनिमम। ठीक है, अब देखें इस पॉइंट पर, इस आर मिनिमम वाले पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है बताओ वो तो क्या हो चुकी है, जीरो। आके क्या हो चुका है, रुक चुका है। अब रुक चुका है ना, हम उस रुकने वाले की बात कर रहे हैं, है ना। अब जैसे रुक चुका होगा तो रिपल्शन की वजह से वापस लौट भी जाएगा, जैसे अल्फा पार्टिकल वापस लौट गया था वैसे ये भी लौट जाएगा, लेकिन अभी हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, जीरो। बताओ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है, और बताओ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर की जगह हम क्या रख देंगे, आर मिनिमम, क्योंकि हम इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस आप समझें भाई इसकी, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी ये तो जीरो है, तो बताओ सारी की सारी एनर्जी कौन सी फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि हम उसको क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक, अब भाई बात आती है किसकी, एनर्जी कंजर्वेशन की। भाई बताओ पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आएगा तो उसकी अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो कॉन्स्टेंट रहेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट आर इज इक्वल टू आर मिनिमम। तो बस हम क्या करने वाले हैं, इक्वल करने वाले हैं, और यहाँ से देखो इन्फाइनाइट पे ये तो जीरो था, सब कुछ क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाली जगह पर ये जीरो थी, सब कुछ किस फॉर्म में थी, पोटेंशियल की फॉर्म में, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर मिनिमम। और ये रहा आपका फॉर्मूला जिसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, बराबर करना है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला के। और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि देखो जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूला में जो आपको वैल्यूज रखनी है उसमें आपको यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, आप यहाँ पर एक जैसे यूनिट यूज़ करोगे, अगर भाई आप मास को एसआई यूनिट में रख रहे हो तो वेलोसिटी भी एसआई में होनी चाहिए, समझ में आ रही है बात, है ना। डिस्टेंस भी किस में होनी चाहिए, एसआई यूनिट में होनी चाहिए, तो मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, तो यूनिट्स का यहाँ पर आप खास करके ध्यान रखें। ठीक है, और इस फॉर्मूला को क्या रखें, याद रखें, इसको फटाफट से आप क्या करें, कॉपी करें। लिख लिया होगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखें कि भाई ये जो हम बोलते हैं कि इस टॉपिक से हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, कैसे पता चलेगी, भाई आप देखो ये जो पॉइंट आया, ये वाला, ये जो इसकी बाउंड्री आ चुकी जहाँ ये रुक चुका है, बताओ याद करो जब अल्फा पार्टिकल आया था किसी चीज़ से टकराया था और वापस चला गया था, तो बताओ उस जहाँ टकराया था उसी को तो हमने न्यूक्लियस बोला था ना, मतलब कि
ये वो डिस्टेंस है जहां पर पार्टिकल आके बिल्कुल रुक चुका है, मतलब जहां के टकरा चुका है या जहां पर मैक्सिमम रिपल्शन फील करके जहां से वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को न्यूक्लियस की हम क्या बोल देंगे, बाउंड्री, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल या आप बोल सकते हैं स्फेरिकली होता है वैसे तो, है ना, तो उसके एक जो रेडियस होगी वो रेडियस होगी ये, ठीक है। और ये रेडियस भाई आप समझो कि जब भी आप एटम को चेंज करोगे, एटम को चेंज करोगे तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होंगे, यानी कि Q2 की वैल्यू चेंज होगी, और जैसे जैसे वैल्यू चेंज होंगी ये डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हर एक एटम के लिए क्या आएगी, अलग अलग आएगी, ठीक है। और इसी को हम क्या कह देंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। कॉपी करें, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो आज हमारे लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बेसिकली आज हमने स्टार्ट किया था रदरफोर्ड के मॉडल से, ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट से। उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स यूज़ किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है। हमने वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस देखी थी, कॉन्क्लूजन्स देखे थे। तो उन कॉन्क्लूजन्स के हिसाब से रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया था जिसको हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। लेकिन उसकी कुछ कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस भी आ चुकी थी कि भाई वो उसकी एनर्जी क्यों खत्म होती जा रही है, क्यों एटम स्टेबल है, तो ऐसी चीज़ें आ गई थी, तो वो भी फेल हो चुका था, ठीक है। और हमने अभी स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आता है इसमें हम आर मिनिमम फाइंड करते हैं, ठीक। और इस फॉर्मूला को इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि इस फॉर्मूला को यूनिट्स के साथ, इसके में यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो याद रखें, आप प्रैक्टिस करें चीज़ों की, जितने हो चुके हैं उतना रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।